थोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा, जिसमें एक शॉर्ट होना चाहिए, एक टी शर्ट होना चाहिए, शॉर्ट मतलब हाफ चड्ढा, और चड्डी भी होनी चाहिए क्योंकि आप समुद्र में ना हो चड्डी भी गीली हो जाएगी। तो जैसा कि अब मैं हेलोंग बे का पूरा टूर करके आ चुका हूँ, बस ने हमें मेरे हॉस्टल के बाहर उतार दिया है। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इस ट्रिप पे साथ ले जाने के लिए। इस ट्रिप पे साथ जाने के लिए आप अपने साथ लेके जाएं एक जोड़ी ऐसे शॉर्ट ले जाएं, शॉर्ट, एक अंडरवियर अर्थात चड्डी, और एक टी शर्ट, एक कपड़े, एक जोड़ी कपड़ा साथ लेके जाएं, और सन क्रीम और शावर जेल और तौलिया, एक जोड़ी चप्पल अगर आप जूता पहन के जा रहे हैं तो। ये सब इसलिए साथ में ले जाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ सब वहाँ जो लास्ट वाला जो टीटॉक आइलैंड है ना, टीटॉक आइलैंड पे आपको वहाँ पे समुंदर में स्विमिंग वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब तैरना वरना पड़ेगा समुंदर में। अपना समुंदर में आपका नहाने का मन करे तो आप वहाँ पे नहा सकते हैं। समुंदर के पानी में नहाने के बाद वहाँ पे नहाने के लिए बाथ बने हुए हैं जिसका चार्ज लेते हैं वो 10,000 डोंग। 10,000 डोंग भारतीय मुद्रा में करे हुआ कितना, वही 50-60 रुपये के प्रॉक्स होगा। मैं कन्वर्ट नहीं करके अंदाज़ा बता रहा हूँ, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो वो कर लें वहाँ पे अपना ये सावर जल से नहा लें, समुंदर में नहाने के बाद अपना सावर जल से नहा लें, फिर उसके बाद क्रीम लगा लें, उसके बाद आप कपड़े चेंज कर लें अपने, ठीक है गुरु। तो इसलिए ये सब चीज़ें लेके जाना, ठीक है। एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा, जिसमें एक शॉर्ट होना चाहिए, एक टी शर्ट होना चाहिए, शॉर्ट मतलब हाफ चड्ढा, और चड्डी भी होनी चाहिए क्योंकि आप समुंदर में ना हो चड्डी भी गीली हो जाएगी। आपके पास एक क्रीम होनी चाहिए जो चेहरे पे लगाओ आप, एक सन क्रीम होनी चाहिए क्योंकि आप जब पूरा दिन भर धूप में घूमोगे समुंदर के किनारे में तो धूप बहुत तेज़ होती है, तो फेस के लिए सन क्रीम होनी चाहिए। नहाने के लिए सावर जेल ले लीजिएगा, ठीक है। एक जोड़ी चप्पल ले लीजिएगा क्योंकि बीच पे जाएंगे आप जूता पहन के नहीं जाएंगे, बाकी बीच में अगर मान के चलिए कि बोट वगैरह पे रहेंगे जूता पहन लीजिएगा, फोटो वोटो अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये सब ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टूर है, फुल पैसा वसूल है, पूरा एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडागर्द नहीं हिलाएगा, ठीक है। अभी चलिए सामान रख के आते हैं, नहा के आते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखाने लेके चलेंगे आपको हनोई की नाइट लाइफ। वैसे कल मैंने नाइट लाइफ दिखाई थी लेकिन आज भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि आपने हेलोंगवे आइलैंड से हमारी बस चली थी 6:30 पे, और अभी बज रहे हैं 9:33। अप्रॉक्स 3 घंटे में हमें बस हेलोंग बे से हनोई छोड़ दी है। हालांकि 20 मिनट के लिए रुकी थी, जहाँ पे जाते वक्त 20 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रुका था, वहाँ पे आते वक्त भी 20 मिनट के लिए चाय पानी के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए चाय पानी के लिए बस को रोका था। तो हमने वहाँ पे फ्रेश व्रेश हुए थे, फिर उसके बाद बस लेके आ गए थे। तो अप्रॉक्स यहाँ से 3 घंटे लगते हैं हेलोंग बे जाने में और 3 घंटे आने में, तो 6 घंटे टोटल आप बस में रहेंगे। टूर के लिए आप एक दिन पहले आप हॉस्टल से भी, जहाँ जिस हॉस्टल में रहे वहाँ से भी टूर बुक कर सकते हैं, किसी भी ट्रेवल एजेंट से भी टूर बुक कर सकते हैं जहाँ आपको सस्ता लगे। इसका मैक्सिमम प्राइस है हेलोंग बे का एक दिन का टूर का मैक्सिमम प्राइस है, आपको कोई $50 में देगा, कोई $55 में देगा, लेकिन आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो आपको $45-45 तक लास्ट देना है। $45 से ज़्यादा नहीं देना है आपको, $45 ही देना है, ठीक है। तो आप जिस हॉस्टल में रुको, जिस होटल में रुको, वहाँ से आप हेलोंग बे का एक दिन का टूर बुक करें। अब आपने टूर बुक कर लिया, अब जिस दिन आपका टूर है, जैसे कि कल आज आपने टिकट बुक कर लिया और कल आपका टूर है, अब क्या करना है आपको, सुबह 8:30 8:30 पर, उससे पहले ही 5-10 पहले नहा धो के रेडी होके अपने लॉबी में आ जाना है, क्योंकि बंदे वेट नहीं करते, ठीक है, वो छोड़ के ही चले जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। 5-10 भी नहीं करते वो, 2-3 कर लेंगे, ठीक है। तो आपको 8:30 आपको लॉबी एरिया में आना है, उसके बाद वो बस पे आपको पिक करेंगे और बस पे बैठा देंगे, और भी जो लोग रहेंगे मतलब और भी जो ग्रुप रहेगा उनको पूरा, और भी जो लोग टूर बुक किए होंगे उन लोगों को पिक करेंगे। उन लोगों को पिक करते करते बज जाता है 9:00 यहाँ से बस जाती है, और करीब 10:30 बस वही 20 के लिए रोकते हैं, ठीक है, एक जगह। वहाँ पे आप वेजिटेरियन तो कुछ नहीं मिलता, जूस वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद गुरु बस चलती है करीब 1.5 और, तो आप पहुँच जाते हैं हेलोंग आइलैंड। हेलोंग आइलैंड में आपको जहाँ पे बस उतारेगी वहाँ से आपको बोट में ले जाया जाएगा। बोट में जाते ही आपको आपको वहाँ पे आपके लंच के अर्थात दोपहर के भोजन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तब पर भी, नॉन वेजिटेरियन हैं तब पर भी। आपको ये पहले सूचित करना पड़ेगा, जहाँ से आप टिकट बुक करेंगे ना
उस टूर ऑपरेटर को ही पहले आपको सूचित करना पड़ेगा कि भैया मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए वेजिटेरियन फूड अरेंज करा दीजिएगा। तो वेजिटेरियन वालों का हमारा नीचे मतलब बोट में नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, और नॉन वेजिटेरियन लोगों का ऊपर था। ऐसा नहीं कि लंच में इन्होंने नाम मात्र के लिए कुछ भी दिया भाई, लंच में यहाँ पे वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि सलाद था, फ्रूट्स था, और फ्रेंच फ्राइज था, चाउमीन था, और क्या क्या बताऊँ, चावल था, सूप था, बहुत सारे आइटम थे। तो हम लोगों ने जम के एकदम लंच किया। लंच करने के बाद बोट चलती है ऊपर, आप जाके ऊपर जाके फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उसके बाद आपको ले जाते हैं पहले स्पॉट पे, पहला स्पॉट पे एक आइलैंड पे ले जाएंगे, छोटा सा ही आइलैंड है। उस पर आपको क्या करना है कि वहाँ से आपको 45 मिनट का टाइम देंगे, वहाँ 45 मिनट का ही टाइम देंगे। वहाँ पे आपको करीब आधा घंटे का टाइम देंगे। आधे घंटे आपको क्या करना है कि वो उस पर जाके आपको पहाड़ पे चढ़ना है। पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ के अंदर की जो गुफा होती है आप वीडियो में देख सकते हैं, गुफा होते 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 हुए करीब करीब कम से कम 600 मीटर पहाड़ चढ़ेंगे आप। पहाड़ के अंदर से गुफा होते हुए एक साइड से जाएंगे, दूसरे साइड निकलेंगे, ठीक है। मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर आप मोटे हैं, हेल्दी हैं, अगर आप पहाड़ वगैरह नहीं चढ़ सकते, या फिर ज़्यादा नहीं है कमी है लेकिन आप सांस फूलती है, तो आप इसको ना करें, आप बोट में ही बैठना है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो आप उसमें जाइए, वक्त वक्त कीजिए, पहाड़ पे चढ़िए। पहाड़ पे चढ़ने के बाद पहाड़ के अंदर से नीचे उतरिए, ठीक है। नीचे उतर के अंदर सुरंग में से एकदम गुफा में से एक दूसरे कोने निकल जाइए, ठीक है। वहाँ पे दूसरे कोने निकल के बस पहला स्पॉट पे यही होगा। उसके बाद आप आ जाएंगे अपने बोट में। उसके बाद बोट चलेगी आपको दूसरे पर्यटक स्पॉट पर ले जाएगी। वहाँ पर आपको जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा, एक कायाकिंग रहेगा, एक बोट राइड रहेगा। कायाकिंग मतलब जो प्लास्टिक की नाव होती है, आपको खुद लाइफ जैकेट पहन के चलानी पड़ती है, आप उसको बैठ के टूर कर सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं पीछे करके। और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप वो बोट चला नहीं सकते, चलाने में असमर्थ है, चला नहीं सकते, मन नहीं है, तो आप बोट पे बैठ के चुपचाप घूम सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चूज किया था तो बोट पे बैठ के घूमने वाला। हालांकि अगर आप चलाएंगे, खुद चलाते हुए लेके जाते हैं, तो आप थोड़ा दूर तक जा सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोट में चलाने वाला दूसरा था तो हमें जल्दी घुमा के ले आया। हालांकि इतनी जल्दी भी नहीं, मतलब वो हमें अंदर तक घुमा के ले गया, जिसके पहाड़ के अंदर से वो बोट लेके जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा दृश्य होता है, वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो घुमाया, उसके बाद आ गए फिर हम अपने बोट में। उसके बाद वो हमें लेके गए अगला टिकटॉक आइलैंड, ठीक है। टिकटॉक आइलैंड है, ठीक है। टिकटॉक आइलैंड पर वहाँ ले जाके हमें छोड़ दिया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके पास 45 मिनट है, आप इसमें चाहे पानी समुंदर में नहाओ या घूमो, आप 45 मिनट में घूम कर आ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे आप जाएँ तो समुंदर में नहाएं ज़रूर, क्योंकि हमने नहाया है, नहा सकते हैं, तैर सकते हैं, गोप्रो है तो गोप्रो के साथ वीडियो बना सकते हैं, आइलैंड घूम सकते हैं, काफ़ी लोग नहाते हैं, हम लोगों ने नहाया था, आप नहा सकते हैं, जैसे वीडियो में देख सकते हैं, मैं गोप्रो लेके गया था तो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो यही टूर है। उसके बाद आपको 45 मिनट वहाँ पर टाइम देंगे, उसके बाद आपको आपके बोट में फिर बैठना पड़ेगा। बोट में बैठने के बाद आपको वही शाम को एक रेड वाइन देंगे, उसको चेस करके पिलाएंगे, थोड़ी सी रेड वाइन लेके आधे गिलास में, मतलब आधी गिलास आधी का आधा, ठीक है, रेड वाइन रहेगा। और उसके साथ आपको स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज दे देंगे, फ्रूट चाट दे देंगे, ठीक है। तो आप उसको खाइए और उसको रेड वाइन को पीजिए और थोड़ा सा चखना में फ्रेंच फ्राइज खाइए। उसके बाद भैया अपना ऊपर जाके बोट के ऊपर जाके मस्त दृश्यों का आनंद लीजिए, शाम हो जाएगी मस्त। तो भैया लोग, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बोट पे लंच करेंगे लेकिन खाना सिर्फ फ्री है, पानी का पैसा है। पानी आपको मिलेगा यहाँ पे, पानी का बॉटल आप लेंगे तो यहाँ पे 20,000 डोंग का मिलेगा बोट पे, क्योंकि खाना फ्री है, पानी फ्री नहीं है, पानी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और उसके बाद, और अगर आप बियर पीना चाहते हैं तो बियर की प्राइस है करीब 30,000 डोंग, जो कि भारतीय मुद्रा में 120 या कुछ रुपये होगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बस सही है। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना चाहते तो उसका भी 20,000-25,000 डोंग ऐसे ही चार्ज है, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वियतनाम के हनोई शहर का हो लांग वे एक दिन के टूर का एक्सपीरियंस, और बस एंजॉय करेंगे टूर। दोस्तों ये वियतनाम के लिए सबसे बेस्ट टूर है, आप अगर वियतनाम आ रहे हैं, हनोई आ रहे हैं, तो बिल्कुल इस टूर को करें, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। इसके लिए टिकट आप अपने हॉस्टल होटल कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन वो आपसे 50-60 डॉलर मांगेंगे एजेंट टू एजेंट, लेकिन आपको 45 डॉलर से ज़्यादा नहीं देना है, 45 डॉलर में डन है, फुल पैसा वसूल है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल ये था हमारा
अपने हनोई से कोलांगवे आइलैंड के वन डे टूर का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। इधर की माले बैठी पड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा वियतनाम के लोकल। हेलो, ये देखिए ये कच्ची के लिए, ये पूरी लगता है पिलम पाल वाली है गुरु। तभी मैं पी रहा हूँ दूसरी बियर टाइगर, ये ब्रांड है वियतनाम की लोकल बियर टाइगर। बियर कौन सी बियर? टाइगर, 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 ठीक है।